विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह गुर्जर ने प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नियमानुसार गन्ना किसानों के गन्ने का भुगतान 14 दिन के भीतर करने का प्रावधान है, लेकिन 3 महीने हो जाने के बाद भी अब तक राज्य सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया है। उन्होंने सरकार से भी मांग की कि MSP गारंटी कानून 2024 से पहले सरकार लेकर आए ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। किसानों की तो वैसे तो बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन एक तो गन्ना का पेमेंट जो है, जो 14 दिन के लिए सरकार कहती है 14 दिन के अंदर पेमेंट मिलेगा, 3-3 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा। गन्ने के रेट, गन्ने का जो भाव है उसकी बहुत बुरी व्यवस्था है। 6 साल में 25 रुपये बढ़े हैं, वो बढ़ने हैं। MSP गारंटी कानून, हम राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक उसकी डिमांड करते हैं कि MSP गारंटी कानून 2024 से पहले लगना चाहिए। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय संयोजक अशोक बलहारा ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से मांग की थी कि हमें 23% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा वादा करने के बाद भी अभी तक जाटों को केंद्र ने नौकरी में आरक्षण नहीं दिया है, जो सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज देहरादून में जो प्रेस करने आए हैं उसका उद्देश्य ये है कि जाट समाज को अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ये डिमांड करती है कि सभी प्रदेशों में जाट समाज को केंद्र में OBC में आरक्षण दिया जाए, जो शिक्षण संस्थान में भी हो और नौकरियों में। उत्तराखंड सरकार ने 2010 में जाट समाज को आरक्षण दे रखा है, परंतु उत्तराखंड के जाट समाज का केंद्र में आरक्षण नहीं है। तो हम ये आज आपके माध्यम से उत्तराखंड के लिए यहाँ से डिमांड करते हैं कि उत्तराखंड का आरक्षण जाट समाज का केंद्र में OBC में दिया जाए। उत्तराखंड STF ने पश्चिम बंगाल से एक रिटायर्ड डॉक्टर से 10.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले ठग अभिषेक शो को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। STF SSP आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी ने ट्रेजरी अधिकारी बनकर एक रिटायर्ड डॉक्टर से ठगी की। आरोपी के पास से 2 फोन, 16 SIM कार्ड और डेबिट कार्ड भी बरामद हुए हैं। अक्टूबर 2022 में एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हरीश लाल जी, इनके द्वारा कोतवाली हल्द्वानी में जनपद नैनीताल में मुकदमा दर्ज कराया गया था कि इनके साथ में ट्रेजरी ऑफिसर बनकर किसी ने कॉल किया और इनके पेंशन संबंधी जो देयक हैं उनके भुगतान के नाम पर इनसे 10.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी हो गई थी। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रुद्रपुर को ट्रांसफ़र हुई थी और उस पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम को एक सफलता मिली है और जो इस धोखाधड़ी में इन्वॉल्व था गैंग, उसका जो प्रमुख सरगना था अभिषेक शॉ, इसको वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और इससे पूछताछ में जो सामने आया है कि ये जो सरकारी वेबसाइट्स हैं वहाँ से जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी जानकारी जुटाते थे और उनके नंबर्स पर कॉल करके ट्रेजरी ऑफिसर बनके कॉल करते थे और उनसे पेंशन आदि के भुगतान के नाम पर उनको उनके मोबाइल का, उनके बैंक खातों का एक्सेस लेकर उनके साथ में धोखाधड़ी की जाती थी। ये जो हमने पकड़ा है अभिषेक शॉ, ये इसकी पूरी भी पूर्व में भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है और पिछले 3 माह पूर्व ही ये कोलकाता पुलिस द्वारा भी इसको साइबर ठगी के मामले में अरेस्ट करके भेजा गया था। उसके बाद ये बेल पर बाहर था और बेल पर आने के बाद भी इसी तरह की जो साइबर ठगी की कार्रवाई दोबारा से कर रहा था। इसके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन और 16 SIM कार्ड और 6 डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं और इसमें जो हमारी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम है, इसमें इंस्पेक्टर ललित जोशी और ASI सत्येंद्र गंगोला और कांस्टेबल उस्मान, इनके द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है इसमें, क्योंकि सारे नंबर्स जिनसे कॉल हुई थी और जो अकाउंट से लिंक्ड थे वो सारे नंबर्स बंद हो चुके थे। तो मैन्युअली इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। जिन ATM से पैसा विड्रॉ हो रहा था उन सभी ATM का जाकर, उनका फुटेज का देखकर और मौके पर जाकर और उसकी जानकारी करके, लोकल लोगों से बात करके इस अपराधी की जानकारी की गई, शिनाख्त की गई और वहाँ से इसको पकड़ा गया है। तो काफ़ी अच्छा जो टीम के द्वारा कार्य किया गया है। बाकी इससे जो रिकवरी हुई है उसके आधार पर हम ऑल ओवर इंडिया के जो हमारा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है वहाँ से डेटा निकाल रहे हैं कि इनके द्वारा और किन किन लोगों के साथ में ठगी की गई है, ऑल ओवर इंडिया कितने केसेस इनके खिलाफ दर्ज हैं, कितनी शिकायतें इनके विरुद्ध प्राप्त हुई हैं, उन सबकी जानकारी की जा रही है।
बेरीनाग तहसील के उड़ियारी गांव के ग्रामीणों पर अपने ही गांव के पानी की मांग पर विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस प्रशासन ने 70 ग्रामीणों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कार्रवाई को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा ने प्रेस वार्ता कर ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करने की निंदा की है और साथ ही गाँव में पानी नहीं पहुँचाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। लोगों का ये मूल अधिकार है और सबसे बड़ी तो सवाल है इस जिला प्रशासन को, जल निगम या जिस विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी है। भारत सरकार का जल हर घर नल हर घर जल का दावा है और उत्तराखंड की सरकार ने, मैं जब पूर्व में राज्यसभा सांसद था, देश की जल साधन मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमेटी में है वहाँ 2022 तक पूरे राज्य के हर गांव में नल और जल पहुँचाने का वादा किया था, दावा किया था। अब तो ये 23 आधा पूरा हो चुका है। तो सवाल था, लोग तो वही मांग कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम है। और बड़े दुख की बात है कि विभाग से पूछना चाहिए थे जिलाधिकारी को कि भाई उस गांव के लोग जल और नल की बात कर रहे हैं, पानी की पीजी के लड़े हैं। विभाग ने अभी तक यूज़ राष्ट्रीय जो जल मिशन है, जल जीवन मिशन है, उसके तहत उस गांव में योजना क्यों नहीं बनाई गई थी, कहां से चूक हुई थी, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि आप लोग जीवन की मूल आवश्यकताओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आप उन्हीं के ऊपर दमनात्मक कार्य करें। मैं इसकी निंदा भी करता हूं और जिलाधिकारी से फिर मांग करता हूं कि जिस विभाग के पास, जल निगम के पास, जल संस्थान के पास, जिसकी ये जिम्मेदारी है उस जल जीवन मिशन को पहुँचाने की, उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं उस गाँव में अभी तक पेयजल के पहुंचाने की व्यवस्था क्यों की? गांव तो गांव के लोग मार रहे हैं, सरकार तो दावा करी हर घर में हम नल और जल देंगे। एसएसपी अजय सिंह के आदेश पर हरिद्वार पुलिस ने सीबीआई ब्रांच दिल्ली और देहरादून में दस्तावेजों को खंगालने के बाद फर्जी सीबीआई डीसीपी को बेहट सहारनपुर से पकड़ने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि अभी खुद को बतौर सीबीआई डीसीपी पेश करते हुए वर्तमान पोस्टिंग पटियाला बताकर आनंद विहार कॉलोनी निकट रानीपुर झाल बहादुराबाद निवासी युवती से सगाई की थी। इस बारे में शक होने पर युवती के भाई ने शिकायती प्रार्थना पत्र देकर थाना बहादुराबाद में मुकदमा दर्ज कराया था। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व जो है एक FIR दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वसीम नाम के एक व्यक्ति द्वारा जो है सगाई की गई है, लेकिन उनको शक है कि वो जो अपने CBI में DCP बता रहा है और IPS अफसर बता रहा है, उनको शक था कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है। इसके आधार पर उनके द्वारा कुछ प्राथमिक जानकारी की गई जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। जब जानकारी की गई तो पता चला कि यह फेक IDs बनाकर जो है लोगों को ठगता है। आसपास के क्षेत्रों में इसकी शिकायत थी। इसको देखते हुए टीम को रवाना किया गया था जिस पर अभियुक्त वसीम को बेहट से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से फर्जी फेक IDs 8 जो बरामद हुई, साथ ही साथ फेक वर्दी भी बरामद हुई है। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स बरामद हुए हैं जो ये फोटोशॉप के थ्रू उसको करके, मतलब उसको चेंज करके अपनी फोटो लगाता था और लोगों को ठगता था। उससे काफ़ी सारी जानकारी ली गई। जानकारी उपरांत उसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। ORP द्वितीय की विसंगतियों को दूर करने को लेकर उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग बिंदु खता एवं पूर्व सैनिक कल्याण समिति हल्दूचौड़ के संयुक्त तत्वाधान में शहीद स्मारक में एकत्र होकर गोला रोड और मुख्य बाजार होते हुए तहसील लालकुआं तक पूर्व सैनिकों ने अपनी माओं को लेकर बड़ी संख्या में जुलूस निकाला। इस दौरान तहसील पहुंचे सभी पूर्व सैनिकों ने एक जनसभा भी की और अपनी माओं को विस्तृत रूप से रखा। इस दौरान रजिस्ट्रार कानूनगो के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। पांच मांग है हमारी, MSP, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन और महिला पेंशन, क्योंकि उनको पहले जो हमारे महिलाओं को पेंशन मिलती थी वो 3,500 मिलती थी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ को 5,800 मिलती थी। आज हमारी जो वीरांगनाएं हैं उनको 13,000 और उनको 72,000, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में भी हमको मानना है कि वही जो जितना उनका बड़ा जिस रेशियो से, वही रेशियो से हमारी महिलाओं का बढ़ना चाहिए। तीसरा हमारा है, चौथी बात हमारी है कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, फौज में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कोई भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं कि आप कितने साल सर्विस करेगा सिपाही, कितना नाइक करेगा, कितना हल्दार करेगा, कितना JCO करेगा।
तो उस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा करने के बाद उनको रिजर्व में भेजा जाता है, घर कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको कॉल किया जाता है। तो पीएमआर तो हमारा होता नहीं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, तो इन्होंने पीएमआर का जो लगाया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये रिवाड़ी में कहा था कि हम किसी को भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले को हर एक को पेंशन देंगे, कोई भी जवान मेरा वंचित नहीं रहेगा। लेकिन ORP 2 में इसमें एक आर्मी एक्ट लाए गए हैं और उन प्रावधानों से जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आ रहे हैं उनकी पेंशन बंद की जा रही है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। हमारे पूर्व सैनिकों की जो विसंगतियाँ हमारे OPR उसमें, तो उसको दूर करने की मांगे हैं। नंबर एक फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, MSP, तो ये हमारी तो ये जो आज तक 2019 में जो हमारी फर्स्ट ORP का जो विसंगति आई, तो सेकंड में बिल्कुल भी इसको दरकिनार करके उन्होंने JSOS को अलग कर दिया और अफसर को आगे बढ़ा दिया। इसमें हमारे जो जवान और JSOS हैं उनके दिल में दर्द आया, आक्रोश हुआ, जिसके कारण हम लोगों को रोड में आना पड़ा, नहीं तो सैनिक कभी रोड में आता नहीं। यदि हमारी मांगों का उन्होंने विश्लेषण नहीं किया, उन्होंने सोच विचार नहीं किया, तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे और आगे ये आंदोलन जारी रहेगा। जनपद अल्मोड़ा में वन रैक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिकों ने विभिन्न विकास खंडों में आक्रोश रैली निकाली, साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन भी भेजा। दरअसल वन रैंक वन पेंशन में हुई बड़ी विसंगतियों से नाराज देश के रिटायर सूबेदार से जवान रैंक तक के सभी पूर्व सैनिक लंबे समय से दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। आज हमने SDM ऑफिस में भूतपूर्व सैनिक, पूर्व सैनिक लीग भौगोली पोखर, पूर्व सैनिक लीग द्वाराहाट ने जो ज्ञापन सौंपा SDM साहब को, जिसमें ORP के विसंगति के बारे में जो टेबल में उन्होंने दिया है उसके विसंगति के बारे में हमने आज SDM साहब को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कि कम से कम 1,000-1,500 लोग उसमें शामिल थे, वीरांगनाएँ थी और वीर नारियाँ और पूर्व सैनिक काफ़ी संख्या में उसमें मौजूद थे। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिकों ने पूर्व सैनिक संगठन बेरीनाग के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर जाकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन में कहा कि सैनिकों को एक समान मानकर एक समान पेंशन दी जाए। वर्तमान सैनिक पेंशन को विसंगतिपूर्ण बताते हुए सैनिकों ने कहा कि आज सिपाही को बहुत कम और अधिकारी को बहुत ज्यादा पेंशन मिल रही है, जिसे सैनिकों में भारी रोष है। और वन पेंशन की मांग है, क्योंकि हम लोग इसके काफ़ी गिर गए हैं, हमारे जो असली वेतन मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है, जिसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम देश के हित में ही चलते हैं, अभी भी चल रहे हैं, आगे को भी चलेंगे, लेकिन हमारी ये जो हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है या हमको लेट डाउन किया जा रहा है, यह नहीं होना चाहिए। भारत सरकार से मेरी यही मांग है।